चलिए आज दर्शन करते हैं गुजरात में द्वारिका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के और जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। ये है भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की विशेष बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से और इसके कथा स्मरण मात्र से ही भक्तों के जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर का परिसर है जिसके अंदर अपन प्रस्तुत कर हो रहे हैं। इसके विषय में ये बताया जाता है कि किसी समय के अंदर एक दारुण वन था जिसमें दारुका और दारुक नाम के दो राक्षस और राक्षसी पति पत्नी रहा करती थी। दारुका ने माता पार्वती से वरदान प्राप्त करने के बाद में एक बहुत ही सुंदर वन जो था उसको प्राप्त कर लिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जहाँ भी विचरण करती थी वो दारुक वन उसी के साथ में चला जाता था। लेकिन मूल रूप से पार्वती राक्षसी की थी और इसके परिणाम स्वरूप वो जहाँ पर भी जाती थी वहाँ प्रजाजनों ऋषि मुनियों को कष्ट और परेशान किया करती थी और इससे दुखी होकर के सारे प्रजाजन ऋषि औरव के पास में पहुँचे। औरव ने इन दोनों पति पत्नी को समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने औरव ऋषि का भी अपमान किया और ऐसी स्थिति में नाराज होकर के औरव ऋषि ने श्राप दे दिया कि राक्षस प्रजाति अगर पृथ्वी लोक के ऊपर किसी से भी किसी प्रकार का युद्ध करेगी तो वह समूल नष्ट हो जाएगी। अब इस श्राप के भय से दोनों ही पति पत्नी दारु और दारुका अपने वन के साथ में एक समुद्र के बीच में जाकर के और निवास करने लगे। एक समय की बात है, भगवान शिव का एक अनन्य भक्त सुप्रिय वो एक बार एक नाव के साथ में विचरण करता हुआ उसके उस समुद्र के बीच के दारुक वन के पास में से गुजर रहा था और ऐसी स्थिति के अंदर दारुक ने सुप्रिय को अपने साथियों के साथ में कारावास में कैद कर लिया और उसको शिव भक्ति करने वाला सुप्रिय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और ऐसी स्थिति के अंदर दारुक ने उसको शिव की भक्ति करने से इनकार कर लिया। लेकिन सुप्रिय तो ठहरा भगवान शिव का भक्त, उसने तो कारावास के अंदर ही अपने शिव की जो आराधना के अंदर लीन हो गया और जब ये चीज दारुक ने देखी तो उससे रहा नहीं गया और वो सुप्रिय का वध करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान शिव इसको देख करके और एक नाग के रूप में वहाँ प्रकट हुए और सुप्रिय को पशुपति अस्त्र प्रदान किया। सुप्रिय ने उस पशुपति अस्त्र से दारुक का वध कर दिया और स्वयं भी भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर समा गया। इस प्रकार से भगवान शिव के नाग रूप में प्रकट होकर भक्त को दर्शन देने के कारण इसका नाम पड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोले।